हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका हृदय तल से तहे दिल से स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल, मैं दीपक चौधरी। और आज खास बात करनी है कि मिसिंग नंबर कहा जाता है वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक्स। इसमें मिसिंग नंबर में आप संख्या की किस प्रकार से, जो संख्या की डिजाइन होते हैं, आपको देखना है कि संख्या किस प्रकार से निरूपित की जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं एक डिजाइन लेता हूं, संख्या इस डिजाइन पर आधारित होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर एक नंबर लेता हूं 2, 4, 5 और 3। अब जाहिर है इन संख्याओं से, इन संख्या पे क्या क्या संभावनाएं हैं, 2, 4, 5, 3 से कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं। जाहिर है जितनी संभावनाएं बन सकती हैं उन सारी संभावनाओं को आपके सामने निरूपित करूंगा उदाहरण पे। फॉर एग्जाम्पल 14 रख दिया, जाहिर सी बात है संख्या छोटी है, संख्या छोटी है। और इसी के साथ मैं एक और नंबर यहां पर रख दिया 120। क्या नंबर रख दिया? 120। इसका मतलब है 14 और 120 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर आपको 14 बनाना है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि 2, 4, 5, 3 से ही आपको 14 बनाना है। जाहिर है संख्या छोटी है, काफी छोटी नहीं, काफी बड़ी भी नहीं है, अर्थात हम सबको जोड़ देंगे। 2, 4, 5 और 3 को अगर आप जोड़ते हैं जाहिर सी बात है 14 हो जाएगा। अगर आपको 120 लाना है तो जाहिर है सबको गुणा करना पड़ेगा, लाजमी है कि सबको गुणा करना ही पड़ेगा। 2 × 4, 8 × 5, 40 × 3, 120। इसी प्रकार से हमें 2, 4, 5, 3 से क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, वो सब एक साथ देख लीजिए। और ध्यान से आपको देखना होगा कि कैसे हम संख्या ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लाना है 23 तो क्या कर सकते हैं। अगर हमें लाना है इसी 2, 4, 5, 3 से लाना, आप बस बताते जाइए कैसे करेंगे और बहुत बारीकी के साथ। अगर हमें लाना है फॉर एग्जाम्पल 22 तो हम कैसे करेंगे, उसी प्रकार से अगर हमें लाना है फॉर एग्जाम्पल 26 तो क्या करेंगे। और यहाँ फिर संख्या से लाना है, उदाहरण के तौर पे देखते जाइए, 48 लाना है तो हम कैसे करेंगे, और हमें लाना है फॉर एग्जाम्पल 49 तो कैसे करेंगे, और हमें लाना है फॉर एग्जाम्पल, देखते जाइएगा बस आपको बारीकी से देखना, 45 तो क्या करेंगे। ये सारी बातें हो सकती हैं। इनसे अगर हमें फॉर एग्जाम्पल 196 लाना है तो क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं को जोड़ के अगर हमें 54 लाना है तो हम क्या करेंगे। ये सारी संभावनाएं, जहां प्लस है वहां माइनस भी संभव है, जहां गुणा है वहां भाग जोड़ घटाओ कुछ भी संभव है। मैं आपको एक पॉसिबिलिटीज, एक संभावना बता रहा हूं कि जब आप बनाते हैं तो इस प्रकार से कितनी सारी बातें हो सकती है। कुछ अमूमन देख लीजिए, 23 लाना है तो क्या करेंगे, 2, 4, 5, 3 से आपको 23 लाना है। आप जानते हैं 23 किसका मिश्रण है, 20+3 का, और हमें हमारे पास संख्या 2, 4, 5, 3, या 15+8 का, और 2 × 8 और 5 × 3 = 15, अर्थात हम कह सकते हैं 2, 4 × 8 + 5 × 3 है या नहीं, बना सकते हैं। उसी प्रकार से 22 बनाना है तो 22 का मतलब क्या है, 11 × 2 = 22, 22 का मतलब क्या, 10+12 = 22, तो क्या हम 10 बना सकते हैं, 2 × 5 = 10 और 4 × 3 = 12, मतलब 2 × 5 = 10 + 4 × 3 = 12। उसी प्रकार से आपको 26 बनाना है, 26 का मतलब होता है 13 × 2 = 26, या 20+6 = 26, तो हमें बनाना है 2 × 3 = 6 और 5 × 6 = 20, 2 × 3 = 6 + 5 × 4। आपने देखा संख्या को पहचानने की जरूरत है, पहचानने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से 48, 48 को क्या कर सकते हैं, 48 मतलब 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48, तो हमें 8 लाना है, 2 × 4 = 8 और ये ला सकते हैं। ऐसे होगा 2 + 4 = 6, 5 + 3 = 8, मतलब क्या किया गया है, 2 + 4 = 6। उसी प्रकार से गुणा कर दिया गया, यहां पे कितना, 5 + 3, मतलब जोड़ के गुणा किया गया है। यहां पे क्या करते हैं, यहां पर हम लोग गुणा करके फिर करते हैं, यही है ना, यहां पे जोड़ के गुणा किया गया। उसी प्रकार से 49 में क्या होगा, 2 + 5 × 4 + 3 है यानी। उसी प्रकार से 45 बनाना है तो क्या करें, 45 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 + 3 = 5 और 5 + 4 = 9, 5 × 9 = 45। उसी प्रकार से अगर आपको 54 लाना है, 54 लाना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 196 आप जानते हैं, सबको जोड़ दीजिए, 2 + 4 = 5 + 3 कितना हो जाएगा, 6, 5, 11, 3, 14 का होल स्क्वायर, 14 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से आपको 54 बनाना है तो 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर और + 3 का स्क्वायर सबको जोड़ दे, 25 और 9 = 34 और 16 = 50 और 4 = 54। ये सारी संभावनाएं, इसी के आधार पे आप आने वाले सवाल को बना सकते हैं, रिलेटेड टू क्वेश्चंस, जहां पे इस प्रकार के डिजाइन होते हैं।
ये प्रॉपर डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, इस प्रकार के डिज़ाइन होते हैं जिसके आधार पर आपको सवाल को बनाना पड़ता है। ध्यान से देखिएगा इस डिज़ाइन को आपको आत्मसात कर लेना, ये डिज़ाइन होता है, ये आपका डिज़ाइन होता है, इसके आधार पर इन सारी संख्याओं को मैंने निरूपित किया, ठीक है। तो इसके आधार पर कुछ सवाल होंगे, प्लीज़ रिप्लाई कमेंट करके रिप्लाई करिए, जल्दी से कमेंट के माध्यम से रिप्लाई करना है आपको, प्लीज़ ये सारे सवाल हैं आपके पास, प्लीज़ डू। 5 प्रश्न हैं, आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया आपका तहे दिल से, धन्यवाद।